नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज वन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी द फोर्स ऑन इट इज़ नॉन जीरो दिस इंप्लाइज दैट और चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बताना है इनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा अलग right? पहला है कि एंगल बिटवीन इधर इज ज़ीरो और 180 डिग्री दूसरा है एंगल बिटवीन इज नेसेसरली 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी है आपका एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 और uh, आपका ऑप्शन है कि एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन ज़ीरो एंड 180 डिग्री नाउ इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है उसके ऊपर हम अब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दी उसके ऊपर जो फोर्स होएगा आपने कोई बात पता है कि मान लीजिए आपका v वेलोसिटी से m मास और q चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था अब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होएगा वो होएगा q v क्रॉस b और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये आपका फोर्स नॉन ज़ीरो है सिंस क्योंकि चार्ज भी आपका नॉन ज़ीरो है यानी कि जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा ये वैल्यू भी आपकी नॉन ज़ीरो है ना लाइट right, तो वी बी जीरो और वी बी ज़ीरो नहीं है बी बी जीरो नहीं है तो साइन थीटा भी आपका ज़ीरो नहीं है ना इस केस में आ, अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें पहला ऑप्शन राइट ये चारों ऑप्शन अगर हम चेक करें तो पहला ऑप्शन कहता है एंगल बिटवीन इज इधर ज़ीरो और वन एट्टी ऑप्शन गलत है बिकॉज अगर एंगल जीरो या वन एट्टी हुआ तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा और फोर्स क्योंकि नॉन जीरो है तो ये वाला केस हो नहीं सकता दूसरा सवाल है एंगल बिटवीन इज नेसेसरली नाइन्टी डिग्री नाउ नेसेसरली 90 डिग्री होना जरूरी नहीं एंगल कोई और एंगल भी होगा तो थीटा की सर्टेन वैल्यू से भी आपका नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी तीसरा ऑप्शन कहता है कि एंगल बिटवीन दैम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन नाइन्टी कोर्स ये पॉसिबल है लेकिन नेसेसरली ये कंडीशन नहीं है पॉसिबल है ऑफ कोई भी वैल्यू हो सकती है बट अदर देन 90 हम क्यों आइसोलेट uh, करें दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी है एंगल बिटवीन दैम कैन हैव एनी अदर वैल्यू देन जीरो एंड नाइन्टी ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि जीरो और नाइन्टी होते ही ये थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी सो इट कैन हैव एनी अदर वैल्यू ज़ीरो और वन एट्टी के अलावा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर